हरे कृष्णा राधे राधे आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सभी की जन्माष्टमी की शॉपिंग जोरों शोरों पे चल रही होगी। मेरी भी शॉपिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस कुछ छोटी मोटी सी चीजें हैं जो आज लेने के लिए जा रही हूँ। और जो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ स्पेशल लेना चाहती हूँ इस बार मैं अपने कान्हा जी राधा जी के लिए, तो बस उसी की स्पेशल शॉपिंग करने जा रही हूँ जो एज अ गिफ्ट मैं इस बार उनको देना चाहती हूँ। क्योंकि ये सब सामान तो मैं हर साल उनके लिए लेती हूँ, बट मेरे कृष्णा इस बार 8 साल के हो रहे हैं, इसीलिए कुछ भाव आया है मन में कि मुझे वो चीज उनके लिए लेनी है इस बार। सो बस उसी की छोटी मोटी सी शॉपिंग हम करने जा रहे हैं, तो मुझे लगा मेरे को व्लॉग स्टार्ट कर लेना चाहिए बिकॉज मैं भूल जाती हूँ व्लॉग शूट करना। तो बस रेडी होकर मैं जा रही हूँ। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, मार्केट की रौनक भी दिखाएंगे और जो भी लेंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं मार्केट। सो गाइज हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और आपको पता है आज सुबह से इतनी ज्यादा वाली बारिश हो रही थी, मेरे को लग रहा था आज मैं जा ही नहीं पाऊंगी बिकॉज जहाँ पे हम जा रहे हैं तो कई बार होता है कि कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो मैं कान्हा जी राधा जी के लिए बेसिकली ये चांदी की शॉपिंग करने जा रही हूँ। इस बार मेरे मन में भाव आया था कि इस बार उनका 8th बर्थडे है तो मुझे उनको कुछ चांदी का गिफ्ट करना चाहिए एज अ बर्थडे गिफ्ट। ये सब तो मैं हर साल ही करती हूँ। तो यहाँ से हमने लिया था उनके लिए चांदी का सामान। आपको पता है ज्वेलर्स लोग अलाउड नहीं करते हैं अंदर शूट करना, और एक हमने थोड़ा बहुत सामान यहाँ से भी लिया है जो मैं बता रही हूँ कि ऑर्डर पे दिया है मैंने। सो यहाँ पर मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ है ना जन्माष्टमी की, इतनी रौनक लगी हुई है क्या बताऊँ। और जगह जगह पे इतनी भीड़ है कि आप अंदर भी नहीं जा सकते। इस शॉप में मैं आपको बता रही हूँ मैं अंदर भी नहीं जा पाई, इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि सफोकेशन इतना ज़्यादा था ना आगे जाके। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि जिस पे हम हमेशा चलते हैं वहाँ चलते हैं। तो बस अब मैं अपनी मेन शॉप पे आ चुकी हूँ। ऑलमोस्ट शॉपिंग मैंने अपनी यहीं से ही करी है जो पहले ही कर ली थी मैंने स्टार्टिंग में। सो कुछ कुछ जो सामान रह गया है वो भी हम यहाँ से परचेज कर लेंगे। यहाँ से मैंने पैंटीज ली थी, नाइट सूट लिया था और हाथों के जो कंगन वगैरह जो मैं आपको कल बोल रही थी ना कि मैचिंग कुछ मिला नहीं था तो चलो देखेंगे हम कुछ मिलेगा, तो यहाँ पर मैंने वो लिया। और उसके बाद मैं दूसरी शॉप पर चली गई थी, मेरे को आसन लेना था और कुछ कुछ और भी सामान लेना था जो मुझे नहीं मिला। जैसे कि मुझे एक कान्हा जी राधा जी के लिए एक प्रॉपर पीतल का स्नान का पात्र लेना था, वो कह रहे थे अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे। ये शॉप मतलब बहुत ही सही थी, यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर जो आसन होते हैं ना वो बहुत ही सुंदर थे। और ये देखिए यहाँ मैं ढूंढ रही थी, मैंने उनसे इतना पूछा मुझे नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, बर्तन वाली शॉप पे जाकर कल भी पता करके आऊँगी, अगर मिल जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर ऑर्डर पे मंगवाएंगे अमेजोन वगैरह से, क्योंकि अभी बहुत लेट डिलीवरी दिखा रहा है और मुझे अभी चाहिए। बस ये सब लेने के बाद बारिश बहुत ज़्यादा ही होने स्टार्ट हो गई थी तो हम लोग घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद सबसे पहला काम मैंने किया, मैंने राधा रानी और कान्हा जी का झूला ढूंढा, जैसा जो मैंने आपको कल बताया था कि मेरे पास पड़ा है। और इस तरीके से इसको डिसमेंटल करके आप रख सकते हो जिससे स्टोर करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है ये मुझे लगता है। और वहाँ पे मैंने एक सेम झूला ऐसा ही देखा था शॉप पर, काफ़ी नीचे रखा हुआ था तो शायद वीडियो में भी आपको दिखा होगा, बहुत ही सुंदर था, पूरा पुराने स्टाइल्स में वो झूला होता था ना हट वाली छत के साथ उस तरीके का था, और वो 8,000 समथिंग का वो बता रहे थे, बहुत सही था। साइज़ यही था बस वो चौकी पर बना हुआ था। तो और मेरे हस्बैंड यहाँ पर पूरा उसको जोड़ रहे हैं और मेरे बेटे को बहुत शौक है वीडियो में आने का, पर मैं उसको लेती नहीं हूँ तो यहाँ पर भी मैंने उसकी वॉइस कट कर दी क्योंकि वो बोल ही जा रहा था कंटिन्यूसली और पापा की हेल्प कर रहा था। तो इस तरीके से ये झूला जुड़ जाता है। और अभी भी पता है मैं आपको ये बताऊँगी 2 साल से भी ज़्यादा हो गया है मुझे इस झूले को यूज़ करते हुए, और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी यहाँ लोकल मार्केट से, मैंने ये उस टाइम पे 2,000 समथिंग का लिया था 2 साल पहले, और आज इसका प्राइस काफ़ी इतने बड़े झूले का 3,500 के आसपास तो है ही यहाँ पर। और आप लोग बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने शॉपिंग कहाँ से की है, तो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि लोकल मार्केट से शॉपिंग करी है मैंने कुछ कुछ, और जो ड्रेस मैंने आपको दिखाई है वो कस्टमाइजेशन वाली और हेयर्स ये मैंने इंस्टा के एक पेज से लिया है। अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में बोलोगे तो मैं उसका लिंक भी आपको दे दूँगी, बहुत सारे लोगों ने बोला है सो मैं उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी जिससे कि आपको ईजी हो जाए। हमारा जो झूला है वो पूरा एकदम असेंबल कर लिया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अभी भी पड़ा है, मुझे इसको लिए हुए 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से मैं इसलिए जन्माष्टमी मना रही हूँ और इस बार हमारा 3rd ईयर है, देखते हैं नेक्स्ट ईयर कुछ नया आएगा तो वो लेंगे। सो ये मैंने कुछ कुछ शॉपिंग और किए हैं जिसमें से जो मेन शॉपिंग की है पहले मैं वो आपको दिखाऊंगी और उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा सा सामान और लिया है वो दिखाऊंगी। तो चलिए ये दिखाना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए मैंने इसमें अपने कान्हा जी के लिए बहुत ही स्पेशल सी चीज़ ली है और कुछ चीज़ें हमें नहीं मिली हैं वो ऑर्डर पे भी देकर आई हूँ मैं।
सो गाइज, मैंने जो स्पेशल शॉपिंग करनी थी जिसके बारे में मैं कल बात करी थी, तो वही करी है मैंने। हर साल जो शॉपिंग मैंने आपके साथ व्लॉग शूट किया, ये हर साल मैं उनके लिए लेती हूँ, पर इस बार कुछ स्पेशल लेने का मन था, तो इस बार मैंने उनके लिए चांदी की कुछ ज्वेलरी ली है, जिसका भाव मेरे मन में बहुत दिनों से आ रहा था। सो आज मैंने वो चीज़ ले ली है। तो इस तरीके से मैंने चांदी के कड़े लिए हैं अपने कान्हा जी राधा रानी के लिए, बहुत ही प्यारे से लग रहे थे। ये प्लेन सा डिज़ाइन है और मतलब इसमें ये छोटे छोटे से घुंघरू टाइप लगे हैं, ये बजने वाले तो नहीं हैं, पर हाँ बहुत अच्छे हैं और बहुत ही ऐसे सॉफ्ट हैं, डेली वेयर में वो पहन के रखेंगे तो उनको बिल्कुल भी चुभने वाले नहीं हैं। तो ये दो पेयर मैंने उनके लिए थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये मैंने घुंघरू वाले नहीं लिए, वो भी ऑप्शन में थे, पर मुझे ये ज़्यादा अच्छे लगे तो मैंने ये लिए। और साथ में ये चीज़ जो दिखा रही हूँ ना, ये मुझे देखते ही पसंद आ गई थी उन्होंने, बट उनके पास ये एक ही पीस में अवेलेबल था, उन्होंने कहा था कि ऑर्डर पर बन जाएगा, डोंट वरी। तो ये है कान्हा जी राधा रानी के लिए पायल ली, और इतनी अच्छी साउंड है ना, जैसे पुराने टाइम के वाले घुंघरू चलते थे ना, ये बिल्कुल वही विंटेज लुक है इन घुंघरुओं की, और बहुत ही प्यारी सी पायल है, बहुत ज़्यादा बजती है और ये मुझे बहुत ही सुंदर लगी। पर उनके पास ये एक ही पीस में अवेलेबल थी, तो मैंने उनको बोला कि आप ऑर्डर पे दूसरा भी बना दो, तो वो कह रहे थे कि जन्माष्टमी वाले दिन आप सुबह आ जाना, आपका ऑर्डर रेडी मिलेगा। तो इसी के साथ का मैंने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर पे बनवाया है इसके साथ का सेम, और इसकी जो साउंड है ना वो बहुत ही प्यारी है। सो ये हमारा मंडे तक दूसरा पेयर भी मिल जाएगा हमें। और इसके बाद मैंने वहाँ से ली बांसुरी, तो ये पिकॉक डिज़ाइन की बहुत ही प्यारी सी बांसुरी थी, इसमें एक राधे वाली भी थी, बट मुझे ना इसकी जो बांसुरी पे जो डिज़ाइन किया हुआ है ना, ये वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने ये लिए। इसमें भी घुंघरू लगे हुए हैं, बहुत प्यारी सी घुंघरुओं की साउंड आती है और बहुत ही अच्छी सी लगी थी मेरे को सब में से। और इसके बाद मैंने ये कान्हा जी राधा रानी के लिए ही सिल्वर के ही टॉप्स लिए हैं। एक्चुअली बाली के भी ऑप्शन थे, पर वो मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे जितने मुझे टॉप्स अच्छे लग रहे थे। तो ये देखिए, मैंने ये टॉप्स लिए हैं अपनी राधा रानी और कान्हा जी के लिए, जो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और इसी के साथ मैंने दो चीज़ों का और भी ऑर्डर दिया है। मुझे लगा था रेडीमेड मिल जाएगा, बट वो नहीं मिला वहाँ पर, वो नॉर्मल जो पायल होती है उसी को कट करके दे रहे थे, तो मुझे नहीं पसंद आ रहा था वो। सो मैंने उनके लिए कमरबंद का ऑर्डर दिया है, जो वो बोल रहे थे कि जन्माष्टमी तक आपको नहीं मिल पाएगा, तो मैंने कहा चलो राधाअष्टमी तक दे दीजिएगा। तो वो कह रहे थे कि 6 या 7 सितंबर तक आपको मिल जाएगा, और राधाअष्टमी 11 सितंबर की है। तो फिर मैंने इस तरीके से चांदी के घुंघरू लिए थे कि मैं कान्हा जी को ऐसा तगड़ी बनाकर पहनाऊंगी, तो मैंने 7 घुंघरू लिए थे, और मेरे बेटे से वो लिफाफा वो देख रहा था गिर गया, तो वो इधर उधर हो गए, तो मैं अभी ढूंढूंगी। पर अब मैं कान्हा जी को ये नहीं पहनाऊंगी, मैं राधाअष्टमी पर उन्हें कमरबंद पहनाऊंगी, जो मैं लूंगी, मतलब जो ऑर्डर दिया है वो बनकर आ जाएगा तब। और उसी के साथ जो कमल वाली ड्रेस थी, उसके साथ के हाथों के नहीं थे, अगर आपने मेरा शॉपिंग ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और तो उस ड्रेस के साथ के मैंने ये मैचिंग लिए हैं लाइट पिंक कलर के साथ, वाइट कलर का एडी के हैं ये, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, और सेम नहीं मिल रहे थे, बिकॉज इस टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना मार्केट में कि सेम कुछ मिल ही नहीं रहा था, अदरवाइज मिल भी रहा था तो साइज़ छोटा बड़ा मिल रहा था। तो ये दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और जन्माष्टमी व्लॉग वाली वीडियो में आपको वो शादी का जोड़ा जो ड्रेस थी वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है, सो उसके साथ के भी मैंने ये ग्रीन एंड वाइट लिए हैं, और सेम कलर नहीं लिया है, कुछ अलग अलग करने का सोचा है। इस बार मैंने राधा रानी के लिए ये रेड कलर और रेड एंड वाइट, और कान्हा जी के लिए ग्रीन एंड वाइट लिया है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसी के साथ मैंने उनके लिए 2 नाइट सूट्स लिए थे, लेने तो ज़्यादा गई थी पर कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा था, इसी में बस कलर्स थे डिफरेंट से, तो बस मैंने ये एक एक पिक करा है दोनों के लिए। और पैंटीज़ मैंने इस बार नहीं ली थी, तो बस वो लेकर आई हूँ, एक टॉवल लेकर आई हूँ, पर वो यहाँ पर नहीं है, वो गाड़ी वो स्कूटी की डिग्गी में ही रह गया, सो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और फिर मैंने उनके नीचे आसन देने के लिए आसन लेना था, तो ये येलो कलर का बहुत ही सुंदर सा हमें आसन मिला है, जो हम उनके नीचे बिछाएंगे, आई मीन झूले के नीचे जब हम चौंकी वोंकी लगाएंगे, डेकोरेशन करेंगे, तो उसके नीचे बिछाएंगे। और मैंने इत्र लिया है, एक सैंडलवुड है और एक फुलवारी कोई न्यू दिख रहा था तो वो लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हरे कृष्णा, राधे राधे।